यार जिंदगी में ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन सेल्फ लव, नंबर टू जस्ट डू इट टुडे। मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था कि कहीं दूर पहाड़ों में बादलों के पार एक छोटे से गांव में एक छोटे से पहाड़ पे स्टे करूं। And I reach here. So, don't think twice, just do it today. हाय गाइस, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आप ही की तरह सिंपल सा बंदा जो जॉब के साथ साथ ट्रैवल करता है। और कुछ दिनों से मैं घर पे बोर हो गया था तो मुझे लगा कि कहीं जाना चाहिए स्टेकेशन के लिए। तो मैं आज आया हूँ हल्द्वानी से, करीबन 99 किलोमीटर दूर रानीखेत से थोड़ा सा आगे मछखाली करके एक जगह पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर ली, मैं पहुँच चुका हूँ काफल कॉटेज में। तो इस वीकेंड में यहीं स्टे करने वाला हूँ, पूरा अपना चिल मारने वाले हैं, कोई काम नहीं कोई कुछ नहीं, सिर्फ चिल मारेंगे, बस माइंड बिल्कुल खाली करना है, रिफ्रेश करना है। सो गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से लॉकडाउन लगा है मैं उत्तराखंड शिफ्ट हो गया था और तब से मैं उत्तराखंड के ऑफबीट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है ऑफबीट डेस्टिनेशन वगैरह देखने में तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए, पूरे ऑफबीट डेस्टिनेशन वगैरह एक्सप्लोर करी है। और साथ ही साथ में मैं इस जगह पर ना कुछ दिनों तक अपना वर्क स्टेशन भी बनाने वाला हूँ और कुछ टाइम तक यहाँ वकेशन करने वाला हूँ बेसिकली। तो इस वीडियो में तो मैं स्टेकेशन का दिखाऊंगा आपको, मैंने क्या किया वीकेंड में, कैसे चिल किया, और वकेशन का वीडियो जो वर्क स्टेशन मैंने बनाया था क्या एक्सपीरियंस रहा उसका वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे है रिसेप्शन, चलिए चलते हैं अंदर रिसेप्शन में अपनी बुकिंग वगैरह कन्फर्म कराने के लिए। बढ़िया बनाया यार एकदम लकड़ी का। हाय भाई। हेलो। तो भाई यहाँ बैठे हुए भाई, वो मांशु के नाम से होगी बुकिंग? हाँ बुकिंग है। यार गाड़ी में सामान था थोड़ा सा। ओके, लगेज मैं आपका करवा देता हूँ। हाँ। आपका रूम नंबर है 103B। ऊपर वाला है क्या? बालकनी है ना उसमें? बालकनी है भाई, बालकनी जरूर चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं ऊपर, बाकी भाई जब तक लगेज वगैरह लाता है। सो गाइस, मैं पहुंच गया हूं अपने रूम पे और ये देखिए, जैसे कि ये पूरी बालकनी है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सामने सामने जो व्यू दिख रहा है वो अमेजिंग दिख रहा है एकदम, इधर भी और इधर भी। अभी तो बादल लगे, काफ़ी अमेजिंग हिमालयस की रेंज भी यहाँ से देखने को मिलती है। ये है मेरा रूम। सो कोशिश करता हूँ जब भी कहीं जाता हूँ तो बालकनी वाला रूम ले लो, बिकॉज बालकनी वाला रूम मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। प्लस यहाँ पे जो विंडो है ना, पूरी ट्रांसपेरेंट विंडो है, सामने व्यू भी दिखने वाला है। तो चलिए मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता हूँ, थोड़ा अपना लगेज वगैरह सेटल कर देता हूँ। तो अभी मैं फिलहाल ऊपर मॉर्निंग वॉक करते हुए चिल मारने के लिए आया हुआ था। वो बता रहे थे कि ऊपर एक फील्ड जैसा है इसी रोड में, अगर आप सीमेंटेड रोड में ऊपर को चलते रहो तो वहाँ से व्यू भी अच्छा दिखता है और आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हो। सो गाइस, जो उन्होंने नीचे फील्ड बताया था ना, वो तो बहुत छोटा सा था, वहाँ से व्यू भी कुछ खास नहीं दिख रहा था। तो मैंने वहाँ पे किसी लोकल से पता किया कि अगर और टॉप में जाके व्यू दिखना हो तो कैसे है, तो वहाँ से एक ट्रेल जाती है नॉर्मल सी, उसी ट्रेल के थ्रू मैं ऊपर टॉप में आ गया हूँ। आई गेस मैं जिस माउंटेन पर हमारा वो है कॉटेज, उसके सबसे टॉप में आ गया हूँ। तो यहाँ से एक अमेजिंग व्यू दिख रहा है, लेट मी शो यू द व्यू। और ये जो रेंज है ना दोस्तों, ये रेंज त्रिशूल और नंदा देवी रेंज में आती है। सो गाइस, ये व्यू दिख रहा है मेरे आंखों के सामने से, कैमरा उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा जो मुझे दिख रहा है। और कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, सीरियसली अमेजिंग। अगर ये शाम तक ऐसी रहा ना तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक कर ली हैं और कूल रील का कंटेंट बना लिया है, तो इंस्टाग्राम में आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो कर लेना, आईडी ब्लिंक हो रही होगी यहाँ पे। एक सेकेंड, ये क्या है? अब ये देखो एक बार, ये क्या चीज़ है? अगर तुम लोगों को पता है कौन सा मशरूम है कमेंट करके ज़रूर बताना यार, बड़ा ही अमेजिंग लग रहा है, गोल्डन कलर का एकदम। वाइट तो मैंने देखे हैं बट ये मैजिक मशरूम तो नहीं कहीं। सो गाइस, चलो चल के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फ्रेश व्रेश हो गया हूँ मैं, दरवाज़ा बंद कर दूँ एक सेकेंड। सो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको यहाँ की प्रॉपर्टी का पूरा टूर दूंगा। बेसिकली पूरा ओल्ड स्टाइल में बनाया हुआ है, काफ़ी पुराना कॉटेज है ना, तो हमारे पहाड़ों में इस तरह से ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हुआ करती है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे वहाँ पे डेली लिखी जाती है, एप्पड़ बोलते हैं इसको, ये शो पीस के लिए और जनरली किसी फेस्टिवल के टाइम पर किया जाता है। उत्तराखंड के किसी भी एरिया में जाओगे आप तो आपको ये सारी चीज़ें एप्पड़ वगैरह देखने को जरूर मिल जाएगी। सो गाइस, मैं ये कहता कि अगर आप लोग ना कहीं लंबे समय से घर के अंदर ही हैं और घर से ही काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से कहीं गए नहीं है, तो आप एक ना स्टेकेशन का ज़रूर प्लान कर लें, बिकॉज उससे होता क्या, माइंड रिफ्रेश हो जाता है और कई नई जगहें देखने को मिलती हैं, तो नया एक अलग ही एक थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाता है और वो एक अच्छा भी लगता है, लाइफ में थोड़ा चेंज लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है।
तो वही एक्सपीरियंस करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। तो आप चाहो तो आप भी यहाँ आ सकते हो, और ज़्यादा दूर नहीं, हल्द्वानी से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर 3 घंटे का रास्ता, और दिल्ली से अप्रॉक्स 350 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ। बाकी अभी ब्रेकफास्ट वगैरह खाना वगैरह तो मुझे अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए विलेजेस भी हैं, और एक पांडुखुली करके जगह जो मैंने बताया था वहाँ भी हम जाने वाले हैं। सो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद चलिए अब एक प्रॉपर्टी का टूर ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कमरे से स्टार्ट करता हूँ। ये इनका एक फैमिली रूम है जो सबसे बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज इसमें क्या है ना कि ये जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, इसके बगल में ही एक और रूम अटैच्ड है। जैसे अगर आप बड़ी फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप पेरेंट्स और यहाँ रह रहे हैं और बच्चे बगल वाले रूम में रह रहे हैं, तो इस पूरे उसका जो है वॉशरूम कॉमन है। और प्लस जो आपको ये पेंटिंग सी दिख रही है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली ये उत्तराखंड की संस्कृति है, मतलब ये जो पेंटिंग है इसे यहाँ पे एपड़ बोलते हैं, और ये बहुत ही पुराने टाइम से चली आ रही है। तो इसमें क्या है ना, ये पेंटिंग करते हैं यहाँ पे लोग, और ये पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी तो लोग पेंट से करने लगे हैं, पहले गेरू और चावल के पीस के, जो गेरू होता है ना लाल कलर का गेरू होता है, और साथ में चावल जो होता है वाइट कलर का, उसको पीस के कलर वो निकलता है पानी सा, तो उससे ये लोग बनाते थे। अभी फ़िलहाल तो पेंट से होने लग गया बिकॉज वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। और अभी फ़िलहाल चलो प्रॉपर्टी का एक टूर ले लेते हैं। तो ये जो है ये बालकनी है यहाँ पे, आप जैसा कि देखेंगे जहाँ से मैं काम भी कर रहा था घर से, और यहाँ पे अभी रूम सारे गेस्ट लगे हुए हैं यहाँ पे। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे भी कई सारे रूम हैं। तो यहाँ पे दर्शन भाई बैठे हैं, तो दर्शन भाई को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जरा घुमा दो प्रॉपर्टी को। सो ये हमारे दर्शन भाई, तो ये यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो दर्शन भाई थोड़ा दिखा दो यार हमें प्रॉपर्टी क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे नीचे कितने रूम है? नीचे 3 रूम। नीचे 3 और ऊपर? ऊपर भी 3 रूम है, जिसमें अच्छा। एक फैमिली रूम। हाँ, जिसमें मैं रह रहा हूँ, फैमिली वाला। हाँ, वो सबसे बड़ा है ना? वो सबसे बड़ा है। हाँ, तो ये नीचे ग्राउंड फ्लोर के रूम है, चलो देखते हैं अंदर से कैसा है। तो ये गाइस हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर वाले रूम पे। हालांकि रूम मुझे बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, वही सेम आर्किटेक्चर में है, और सेम ही तरीके से स्पेस भी है, और टेबल और कुर्सी सारे सेम ही रखे हुए हैं। और ये एपड़ जो मैं बता रहा था आपको, ये थोड़ा सा अलग टाइप का पेपर बनाया हुआ है, लेकिन पूरा जो मॉडल बनाया हुआ है सेम ही बनाया हुआ है। और प्लस यहाँ से जो खिड़की है, यहाँ से भी आपको एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। और तो बाकी रूम भी ऐसे ही है क्या? सेम है, सारे रूम सेम है। तो गाइस ये देखो, जैसे आपको खिड़की से यहाँ से व्यू देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली अगर आप इमेजिन करो यहाँ सोए हो और यहाँ से उठते ही आपको सुबह व्यू दिख रहा है, तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। तो चलिए फिर अब बाकी यहाँ का वो देख लेते हैं एक बार, डाइनिंग एरिया और किचन वगैरह, और जो यहाँ पे बॉनफायर का एरिया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये एरिया है जो यहाँ पे बॉनफायर का एरिया है, और यहाँ पे कल हमने बारबेक्यू भी किया था, तो मस्त माहौल बन जाता है, चारों ओर कुर्सियाँ लग जाती हैं, और यहाँ से नेचर आप इंजॉय कर सकते हो पूरा प्रॉपर, तो बैठ के खाना भी खा सकते हो। प्लस यहाँ पे जो डाइनिंग एरिया है मेरे सामने ये है, और यहाँ पे अमेजिंग फूल वगैरह भी लगे हैं मस्त, और ये एपर देखो यहाँ पे भी ऊपर करे हुए हैं, मतलब उत्तराखंड की संस्कृति जो है ना प्रॉपर आपको देखने को मिलेगी, लोकल ब्लू फील आएगा कि मतलब कि आप आए हो उत्तराखंड में। तो गाइस ये है यहाँ पे डाइनिंग एरिया, तो बेसिकली यहाँ पे जो ये पेंटिंग्स लगाई हुई है, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। दर्शन भाई जरा तुम ही बताओ यार, पेंटिंग्स क्या क्या मतलब है इनका? जैसे ये वाली पेंटिंग तो खैर आई थिंक कुछ ये गांव का ही कल्चर वल्चर बता रही है ना। हाँ, ये जो है कृष्ण जन्माष्टमी पर लिखा भी है यार, बल्कि हाँ उसमें लिखा भी है कृष्ण जन्माष्टमी पर पड़ बनाते हुए उत्तराखंडी लेख। सही, तो कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है। जब ये है जैसे कभी शादी के बाद दूल्हा आता है। हाँ, एपड़ी हुआ ये भी ना, एपड़ी हुआ। हाँ, तो जो कहीं जो मैं बता रहा था ना आपको, गेरू और चावल से करते हैं एग्जैक्टली, वो ये आपको देखने को मिलेगा। देखो जैसे ये जो औरतें हैं, ये हाथ में जो उनके दिख रहा है ना, ये चावल का आटा, चावल को पीस के पानी ऐसा बना देते हैं, तो गेरू के बाद उसको इस तरह से जमीन में करते हैं। अब तो खैर पेंट से करने लगे हैं, तो ये बहुत पुरानी संस्कृति है, गुड टू नो वाली चीज़ है। ये देखो ना दूल्हे के आगमन पे, ये सही, ये भी एपर्ट दिखा रखा है यहाँ पे। और प्लस ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना, नंदा देवी का डोला है, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब नंदा माँ, पुराने जमाने में जो लोग कथाएं बोलते हैं कि नंदा माँ यहाँ ससुराल आई थी ना, या माइके आई थी, अपने वहाँ माइके माइके आई थी, तो यहाँ से जब वापस जाती है अपने ससुराल, तो उनको विदा करने के लिए, तो उसी याद में ऐसे डोला करके उनको ले जाते हैं, और फिर विसर्जित कर दिया जाता है एक जगह पे। तो ये भी बहुत बहुत बड़ा फेस्टिवल बनता है यहाँ पे, काफ़ी मेला बहुत बड़ा होता है इसका। और प्लस ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है, इसमें आप देखोगे जैसे कुछ स्टैचू से बने हुए बड़े बड़े, और लोग छोटे छोटे दिख रहे हैं। एग्जैक्टली मैं दशहरे के टाइम पे इतने बड़े बड़े स्टैचूज पुतले बनाए जाते हैं, और फिर उनको जलाया जाता है, तो पीछे वो रावण भी दिख रहा है आपको। तो ये दशहरे का स्पेशल, अगर आप अल्मोड़ा आ रहे हो तो अल्मोड़ा के दशहरा बहुत ही फेमस मनाया जाता है। और ये क्या है भाई, पिथौरागढ़ का कुछ दिख रहा है, मेला लगता है जो। अच्छा, उसी के बारे में। और ये तो खैर गांव का कल्चर दिखाया हुआ है, ये अच्छे फूल दी चम्मा दी है भाई, ये करेक्ट 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 करेक्ट। ये शायद मैंने अपनी पुरानी उत्तराखंड ऑफबीट वाली वीडियो में भी दिखाया हुआ है, उस दिन हम गए थे तो वहाँ पे हो रहा था, हमने कैप्चर किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो देख लेना, ठीक हो गया। मतलब ये मुझे बड़ा सही लगा कि मतलब फुल टच दिया हुआ है, देखो प्रॉपर बेस्ट एक नंबर।
सो गाइस कैसा लगा फिर यहाँ का डाइनिंग एरिया मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो कितना अच्छा लगेगा ना अगर आप यहाँ बैठ के खाना खा रहे हो। और प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से पूरा आगे ना ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि यहाँ पे जो फ्रेम है पूरा सामने व्यू दिख रहा है, तो आप बैठ के यहाँ खाना खा सकते हो। और स्नो के टाइम में तो और मज़ा आने वाला है अगर आप स्नो के टाइम पे आते हो। दिसंबर के टाइम में पड़ती है ना भाई? हाँ, दिसंबर के टाइम में आप स्नो, दिसंबर से जनवरी, तो दिसंबर से जनवरी अगर आप आते तो स्नो का भी इन्जॉय कर सकते हो। तो ये है दोस्तों यहाँ की प्रॉपर्टी, बाकी रूम तो सारे एक जैसे ही हैं। सो गाइस ये सलाद है और लंच में है दाल चावल, और ये दाल जो है पीली वाली दाल है। सो गाइस लंच वगैरह करके अभी मैं आ गया हूँ अपने रूम पे, तो आज दिन भर चिल मारने वाला हूँ, रेस्ट करूँगा फुल एकदम। और यहाँ पे जो चिल मारने के लिए दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है टीवी, बट आजकल टीवी देखता कौन है यार। और दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे वाईफाई काफ़ी अच्छा है, तो मैं यहाँ पे एक सीरीज देखने वाला हूँ। बट सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं एक मूवी देख रहा हूँ, उसका नाम है ब्लैक विडो। उसके बाद कल का प्लान ये है कि कल हम लोग पांडुखोली जाएंगे। पांडुखोली एक बहुत फेमस जगह है यहाँ पे, और काफ़ी कम लोग उसके बारे में जानते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं जानते हो तो उसके बारे में आपको पता लगने वाला, तो वीडियो में बने रहें। कल हम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे यहाँ से पांडुखोली जाने के लिए, बिकॉज यहाँ से अप्रॉक्स 30 या 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का रास्ता है, फिर वहाँ से एक ट्रैक भी करना पड़ता है 2-3 किलोमीटर का। फिर वहाँ पे एक्चुअली जो पांडुखोली है इसके बारे में तुम भाई लोगों को कल ही बताऊँगा। सो गाइस दिन भर सीरीज़ और मूवीज़ देखने के बाद अभी मैं करने आ गया हूँ डिनर, और डिनर में यहाँ आज बना है राजमा और तुरे की सब्ज़ी। तो फिलहाल अभी बज रहा है रात का 10, और मैं डिनर वगैरह करके जल्दी सोने वाला हूँ, बिकॉज हमें कल जल्दी उठना है। हम लोग प्लान करके 7 बजे अराउंड निकल जाए, ताकि हम टाइम से जाके ट्रैक करके वापस आ जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीज़न। सो गाइस अभी हमारी एक पहाड़ी पार हो गई है,